Cockbiz. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आज फिर से एक बार आपके सामने हूँ कुछ नए मुद्दों पर बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है कि जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए, यानी कि जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, सरकार ने उनको कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे कि अगर उनको एक तरीके से अगर कोई उनको फंड को कंट्रीब्यूट करता है, उनको जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या ऐसे जो समाज के कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, उनको फंड को इनफ्लो बनाने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई थी उसमें सेक्शन 12A इनकम टैक्स एक्ट का और सेक्शन 80G में, सेक्शन 12A में उनकी इनकम को टैक्स फ्री किया जाता है, यानी कि अगर सेक्शन 12A में उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उनकी इनकम को टैक्स फ्री माना जाता है, और सेक्शन 80G में अगर कोई व्यक्ति अगर उस संस्था को डोनेशन देता है तो उस व्यक्ति की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री की जाती है, यानी कि उसको कुछ डिडक्शन सेक्शन 80G में मिलती है। तो दोस्तों, उसी के तहत सरकार ने उसको एक जो प्रोसीजर है, जो आपको जैसे पता होगा, अगर आप चैरिटेबल संस्था चलाते हैं तो 80G का क्या इंपॉर्टेंस है या सेक्शन 12A का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले 80G या 12A में रजिस्ट्रेशन कराने की बहुत सारी मशक्क़त करनी होती थी और बहुत समय लगता था इसको करने में, और इसको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे इनकम डिपार्टमेंट के। तो सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो प्रोसीजर्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में और सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे आगे काम को बढ़ाना चाहती है। तो उसी श्रृंखला में फाइनेंस एक्ट 2020 में सरकार एक चेंज लेके आई थी, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा गया था कि आप केवल एक जो भी संस्था नई आती है, जो भी नया सोशल एंटरप्रेन्योर आता है, या कोई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या जो भी चैरिटी का काम करना चाहते हैं, उनको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए, यानी कि आप अपना संस्था बनाते हैं और बिना किसी काम के शुरू किए हुए आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक फॉर्म नोटिफाई किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था फॉर्म 10A। तो दोस्तों, मतलब 10A में आप जब अपना रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं, यानी कि कोई संस्था, चैरिटेबल संस्था या कोई जो NGO होती है वो अपना फॉर्म 10A में फाइल करती है, तो उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बिना किसी ज़्यादा जांच पड़ताल के उसको दे दिया जाता है, यानी कि एक सामान्य रूप से जो उसकी KYC डॉक्यूमेंट या जो सामान्य कुछ डिटेलें लेके उनको फॉर्म 10A में फिल किया जाता है और उसके बाद उनको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, ये नॉर्मली 3 साल के लिए वैलिड बनाया गया था कि 3 साल तक आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा कि जिससे आप अपना जो चैरिटी का काम है आप शुरू कर सकें, आप पे कोई टैक्स ना लगे। इसलिए सरकार ने एक सुविधा निकाली कि फॉर्म 10A फिल करके आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, सरकार ने ये कहा कि तीन साल बाद मतलब हमेशा तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं चलता रहेगा, आपकी एक इंटेंशन देखनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भैया कि आप सही में या जेन्युइन तरीके से आप चैरिटी का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने किया था कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी पुराने वाले, चाहे जो जिनको पुराना भी 80G या 12M रजिस्ट्रेशन था या जिन्होंने जो भी लिया था, उन सबको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था, यानी फॉर्म 10A फाइल करना जरूरी था, चाहे वो नई संस्थाएं थी चाहे पुरानी संस्थाएं थी। 31 मार्च तक सबको फॉर्म 10A फाइल करना जरूरी था। फिर सरकार ने अभी उसमें एक और रूल था कि जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो चलो आपने ले लिया, लेकिन आप जब अपनी चैरिटेबल काम को शुरू कर लेते हैं तो उसके 6 महीने के अंदर या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के एक्सपायर होने के 6 महीने के अंदर आपको फॉर्म 10A भी भरना होता है। यानी कि फॉर्म 10A भी किस लिए है? फॉर्म 10A था, सरकार जो फॉर्म 10A लेके आई थी उसको इसलिए ले आई कि जिससे कि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जाए, कि जैसे कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको इमीडिएट आपको उन्होंने दे दिया, यानी कि आपने काम शुरू नहीं किया था तभी, अब जब आपने काम शुरू कर लिया तो आप 6 महीने के बाद अपने काम शुरू, जब चैरिटेबल आपका एक्टिविटी शुरू कर लेते हैं, 6 महीने के बाद आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फॉर्म 10A में करना था आपको।
अब जो है जो फॉर्म 10 ए बी में जो रजिस्ट्रेशन होगा जो आपको, तब उसमें थोड़ा सा स्क्रूटनी करी जाएगी, यानी कि आपके काम को देखा जाएगा कि आपने क्या काम किया, और जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसर होगा वो आपसे आपके काम को देखेगा, आपसे वो सेटिस्फाई होगा उससे, तो उसके बेस पे आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा जो कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट आया था। तो दोस्तों अभी आजकल एक फिलहाल ये जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन भरने का भी जो तारीख गवर्नमेंट ने दी थी पहले वो 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अभी सरकार ने उसको, चूंकि उनकी जो जो एक वो ऑनलाइन भरना था, तो ऑनलाइन भरने के लिए एक यूटिलिटी, जो जैसे आपका इनकम टैक्स की रिटर्न में भरते हैं उसी प्रकार से रिटर्नों का एक यूटिलिटी जो है वो गवर्नमेंट को रिलीज करनी थी, जो कि वो नहीं कर पाई थी। तो CBDT ने उस पर एक अपना सर्कुलर रिलीज करा है या नोटिफिकेशन दे दिया है कि वो अब आप जो है अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उसको जो है 30 सितंबर तक आप भर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अगर आप कोई भी संस्था चला रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपको फॉर्म 10 जो ए बी है उसको भरना होगा। तो फॉर्म 10 ए बी भर के आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसके लिए तैयारी शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपका 12A का जो 12A में जो आपकी इनकम एग्जम्प्ट होती है या जो आपके वो टैक्स नहीं लगता है वो आपके ऊपर आ सकता है, या आपके जो डोनर होंगे जो आपको पैसा देते हैं उनको असुविधा हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।